सभी को नमस्ते, मैं श्रीधर मुंडा इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर मेरा वीडियो अगर पहली बार अगर देख रहे हैं तो एक आप बहुत ही खुश नसीब हैं। चलिए, कोई खुश नसीब तो नहीं है लेकिन मैं एक जोक था। चलिए मैं शुरुआत कर रहा हूं। हमारे झारखंड में, मैं इंडिया का जो एक भाग है, झारखंड राज्य है, उस राज्य से मैं बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ का ग्रामीण का जो पेंटिंग है उस पर मैं विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास करता हूँ। कोहबर यानी सोहराय पेंटिंग, ये क्या है? कोहबर यानी सोहराय पेंटिंग के बारे में मैं कुछ इम्पोर्टेंट बात आपके बीच रखने जा रहा हूँ। अगर इस वीडियो को अंत तक जुड़े रहें तभी आप समझ सकते हैं। तो आप रुकिएगा क्यों, समझना चाहते हैं तो रुक जाइए। देखिए, मैं कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ। देखिए, सोहराय पेंटिंग, जब हमारे झारखंड में जब दीपावली का समय जब आता है ना, उसी समय सोहराय भी मनाया जाता है यानी लक्ष्मी पूजा किया जाता है। तो उस वक्त क्या करते हैं, गांव के लोग जितने भी मिट्टी का घर जो बना होता है उस दीवार को बहुत अच्छे से साफ सुथरा करते हैं, घर का पूरा सफाई करते हैं। सफाई के साथ साथ जो दीवार में जो मिट्टी गिर चुकी होती है उस मिट्टी को लिपाई पुताई किया जाता है। अब लिपाई पुताई माने टूट के गिर गया तो उसको लिपाई पुताई कैसे करेंगे, पुआल लेते हैं, जो धान की जो होता है ना, जो धान निकल जाता है उसको पुआल कहा जाते हैं धान निकालने बाद। तो उस पुआल को लेकर के हल्का गोबर, गाय बैल का गोबर लिया जाता है और मिट्टी लिया जाता है, अच्छे तरीके से उसको मिक्स किया जाता है। और मिक्स करने के बाद दीवार को अच्छे तरीके से जहाँ टूट फूट जाता है उसको अच्छे तरीके से लेप लगा करके, लेप लगाने के बाद उसको अच्छे तरीके से प्लेन किया जाता है। मैं अपने क्षेत्र के बारे में बताना जा रहा हूँ, उसी तरह भिन्न भिन्न क्षेत्रों में वही होता है। लेप लगाने के बाद सबसे पहले उसको क्या करती हैं, सूखने देते हैं। सूखने के बाद काली मिट्टी होता है किसी क्षेत्र में, किसी मिट्टी गोरी मिट्टी होता है, कहीं कहीं ब्राउन कलर में होता है। तो अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से वो मिट्टी का प्रयोग करते हैं। हमारे क्षेत्र में काली मिट्टी होता है, काला कलर का रंग होता है, जैसे मैं पहना हूँ सेम इसी कलर में वो काली मिट्टी होती है। उसको जमीन से खोद के निकालते हैं, घरों में ला कर रखते हैं और उसके बाद पानी में उसको घोल करके बहुत ही महीन चूर्ण की होता है, बहुत चिकनापन मिट्टी होता है। उस मिट्टी को घोलने के बाद दीवार जो है, दीवार में क्या करते हैं, अच्छे से कपड़े का ले करके उसको पोताई करते हैं या झाड़ू ले करके उसको दीवारों में पोताई करते हैं। उसके बाद लगाने के बाद एक कोट दो कोट देते हैं, उसके सूखने दिया जाता है। जब अगर सूख जाने के बाद उसमें जो गाय का गोबर होता है उसको भी घोल करके अच्छे से, उसमें काली मिट्टी सूखने के बाद गोबर का लेप लगाया जाता है। पूरा लेप लगाने के बाद, सूख जाने के बाद, अब भिन्न भिन्न प्रकार, कहीं किसी गोरी मिट्टी होगा, किसी जगह व्हाइट मिट्टी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद व्हाइट मिट्टी को घोल करके फिर उसी प्रकार से दीवारों में लगाया जाता है, लेप लगाया जाता है। जब लेप लगाने के बाद उसमें जो कंघी होता है या कोई हाथ के द्वारा, कोई वस्तु के द्वारा उस भिन्न भिन्न तरीके से आकृति बनाते हैं, या तीन अंगुली का प्रयोग करते हुए, कि कोई दो अंगुली का प्रयोग करते हुए, या किसी चीज़ को पकड़ करके उसमें आकृति का निर्माण करते हैं। वो निर्माण इस प्रकार से करते हैं, किसी जानवर का करते हैं, किसी पक्षी का करते हैं, या किसी जीव जंतु का करते हैं, मछली का करते हैं, उड़ते हुए चिड़िया, तो नॉर्मल डिज़ाइन जिस तरह उसका हाथ चल रहा है उसी प्रकार से उसको रेखांकन उसमें दीवार में करते हैं। अब दीवार में आकृति बनने के बाद, सूख जाने के बाद,
उसमें जो प्राकृतिक कलर है और कृत्रिम कलर, हम लोग कृत्रिम कलर का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो गांव के लोग नेचुरल जो है यानी प्राकृतिक कलर, जो मिट्टी का ही कलर होता है, गोरी मिट्टी का कलर होता है, काला जो है लकड़ी का चूर्ण बना करके उसको काले से पुआल होते को जला दिया जाता है, जलने के बाद जो काला जो हो जाता है ना उसको पानी मुचका करके काला कलर का रंग तैयार किया जाता है। गेरुआ पत्थर होता है उसको घिस घिस करके गेरुआ रंग का प्रयोग किया जाता है। हल्दी को कूट कूट करके हल्दी यानी पीला कलर का प्रयोग किया जाता है। हरा रंग का प्रयोग बहुत सारे पौधों को इकट्ठा करके कूट कूट करके उसको हरा रंग का प्रयोग किया जाता है। तो ये प्राकृतिक कलर ही, इसको याद रखिएगा, कभी पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक कलरों का नाम बताएं। तो उसी को घोल बनाने के बाद जो ब्रश बनाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, जो हमारे बहुत सारे ब्रश होते हैं, लेकिन वैसा ब्रश का प्रयोग गांव के लोग ऐसे नहीं करते थे, अब तो आ गया है ब्रश। तो क्या करते थे कि जो सूती का जो कपड़ा होता था, अब बांस का डंडी लेकर के उसमें कपड़े को, सूती को कपड़े को जैसे ये है उसमें लपेट दिया जाता था, और लपेटने के बाद उसको जो है जो कटोरी नहीं हुआ करता था, मिट्टी का जो बर्तन होता तो उसे डुबा करके जो आकृति जो बनाए हैं उस पे कलर भरते थे, किसी जानवर का, किसी पक्षी का, तो इस प्रकार से वो चित्रित करते थे और बहुत ही खूबसूरत लगता है, उसी को कहा जाता है सुहराय पेंटिंग। आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि सोहराय पेंटिंग क्या है। तो सोहराय पेंटिंग को आप अच्छे से समझ गए होंगे। कोहबर पेंटिंग उसी तरह से जो है बहुत तरह का डिज़ाइन, महिलाओं को डांस करते हुए, महिलाओं को कोई भी त्यौहार है, चौंट है, कर्मा है, तो इस तरह से नृत्य करते हुए जो चित्रित किया जाता है कोहबर, सोहराय पेंटिंग यही चीज़ को बना करके कहा गया है सोहराय पेंटिंग, है ना, आप समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को अगर देख रहे हैं, मेरा बातों को अच्छा लगा होगा, अगर कला से आप जुड़े हुए हैं तो एक लाइक मुझे कर दें, आपका एक लाइक बहुत ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब नहीं कीजिएगा, क्यों कीजिएगा, करने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। चलिए नहीं कीजिए, लेकिन तब शेयर तो कीजिए, लेकिन शेयर भी नहीं कीजिएगा, क्यों कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने में आपको कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए शेयर भी मत कीजिए, कमेंट कर दीजिए, कमेंट कीजिए कि आपने जो कहा सरासर गलत है, आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, तो मैं सुधारने का प्रयास करूंगा। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आप अगर ये कमेंट करते तो मैं इसे सुधार के मैं अच्छे से मैं बोलने का प्रयास करूंगा। तो इसी वीडियो के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, मैं फिर पुनः नए वीडियो के साथ आपके बीच उपस्थित होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।